जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ही हम लोग जा रहे हैं या भैया टाउन में लगता है हफ्ता बाजार, बहुत ही मजे की जगह है। सुना है मैंने ऐसा कि वहाँ बड़ी इकोनॉमिकल चीजें होती हैं, घर के हवाले से, किचन के हवाले से, डेकोरेशन वगैरह एंड ऑल। तो जी आपके साथ मैं भी चलती हूँ फर्स्ट टाइम और देखते हैं सब कैसा है वहाँ पे, कैसी शॉपिंग है, कैसी चीजें हैं। लेट्स गो विद मी। मम्मा कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी कूल और स्टाइलिश बन के कहाँ जा रही हैं? अब हमें गर्मियों के लिए ना एक सब शेयर्स ले लेने चाहिए और ग्लासेस भी और पिंक ग्लासेस। नहीं मैंने नहीं लेनी पठान से। बाबा हमने ग्लासेस नहीं पहनी। बड़ा वैसे इन्होंने प्यारा बनाया है ना, बड़ी अच्छी डेकोर की है ये पिक्चर। अच्छा ये हफ्ता बाजार, ये तो सिर्फ सब्जियां हैं, अंदर जाके काफी चीजें होंगी ना, ये तो बाहर है। अच्छा ये पूरी गली अंदर जा रही है। राइट। और जी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हफ्ता बाजार। शदीद किस्म का रश, ऐसे लग रहा है कि सारी दुनिया यहीं पे आ गई है। बहरहाल देख लिए, चलते हैं, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सभी चीजें बड़ी मेरी क्यों निकालनी है। और यहाँ पे जी हम चले बाजार की तरफ और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि फ़ोन को ज़रा ज़ोर से पकड़ना क्योंकि आते जाते लोग जो है ना वो छीन के ले जाते हैं। मैंने कहा फिक्र ना करें, फ़ोन सेफ हैंड्स में है। लेकिन जी यहाँ पे बहुत शदीद किस्म का रश था रमज़ान की वजह से ना, प्रॉबली शायद, और रोज़े की वजह से हमारी एनर्जीज भी इतनी डाउन थी ना कि कुछ दिल ही नहीं चाह रहा था कि तो रश में जाए। लेकिन आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फॉर मी एंड फॉर यू गाइज़ कि भाई पता तो चले आखिर है क्या। इतनी हाइप थी इस बाज़ार की कि भाई क्या होता है यहाँ पे, किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सुना था कि घर के हवाले से डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, इसके अलावा जी जो आपके होती हैं वॉशरूम एक्सेसरीज, किचन एक्सेसरीज, और ये नैपकिन्स और ये टोटे बैग्स, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। खैर जी मेरे हस्बैंड तो शक में नहीं थे कि भैया ऐसे बाज़ार आया जाए और यहाँ से शॉप किया जाए। वो कहते हैं कि भैया आप 2 रुपये या 3 रुपये महंगी चीज़ ले लें लेकिन एक अच्छे इन्वायरमेंट से लें। पर मुझे वो कहते हैं ना कीड़ा तंग करता रहता है कि भाई मैंने देखना है कि इस बाज़ार में है क्या खरीदना। तो ये सारे इस तरह के स्टॉल्स थे। अच्छा पाकिस्तान में या पता नहीं मेरे साथ ही शायद ऐसा मसला है कि वेन एवर यू होल्ड द कैमरा पीपल स्टार्ट स्टेयरिंग एट यू लाइक कि भाई कभी मोबाइल और कैमरा देखा ही नहीं। एकदम से बंदे की ना एनर्जी और बंदे की जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज़ हो जाता है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस आएगा, बट यहाँ पे अगर कैमरा थोड़ा सा आपको हिलता जुलता डोलता हुआ लगे तो समझ जाइएगा कि भाई ये काम ख़राब है। बहरहाल जी बिल्कुल स्टार्टिंग में देयर वाज सो मेनी वेजिटेबल्स, लेकिन बहुत पुरानी क्योंकि धूप की वजह से वो बेचारी बिल्कुल नरम पड़ चुकी थी। हर तरह की अच्छे सस्ते से सस्ती चीज़ यहाँ पर मिलेगी, जैसे ये शूज़ थे तो ये दैट वाज 100 रुपीज़ पर पेयर। तो मैं तो यहाँ पर गई थी कि यार वॉशरूम के बाहर रखने के लिए कोई ले लें कोई चप्पल वगैरह, तो पैकेट साहब सेट के नहीं भाई सिर्फ आप देखने आई हैं, कुछ आपने लेना नहीं है यहाँ से। पैकेट साहब ये अंदर। अच्छा मेरा के हवाले से ना हेयर एसेसरीज़ और वो रिंग्स और वो हैंड एसेसरीज़, मैं हर वक्त इस चीज़ की तलाश में रहती हूँ। यहाँ पे जी इतने ज़बरदस्त बो हेयर बैंड और फरी हेयर बैंड और पिंस, हर चीज़ इसके अंदर सस्ती में। इसके रिसेंटली ना 300 का मैंने इसका बो हेयर बैंड लिया था बिल्कुल रिसेंटली, और मुझे इतना दुख हुआ ना जब उस बंदे ने कहा कि 100 रुपये का है, और इतना प्यारा पूरा पर्ल से डेकोरेटेड था। तो मुझे बड़े मतलब मैंने कहा चलो फिर कभी ना कभी यहाँ आऊँगी तो मैं ज़रूर लूँगी। इसी तरह जी चप्पल्स हैं ये 100 रुपीज़ पर पेयर था। पीसेस ऑफ टॉवल्स हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई ज़रूरत की चीज़ें आपके किचन की चीज़ें सारी अवेलेबल हैं तो ये गलत नहीं है ऑब्वियसली। अब वही एक टॉवल अगर आप जलालसन से या ऐसी किसी जगह से पकड़ते हैं ना, जैसे मैंने एक टॉवल लिया था जलालसन के क्लोथ सेक्शन में से और आई गॉट इट फॉर लाइक 600 रुपीज़, और यहाँ पे वही चीज़ 100 रुपीज़ में थी, तो इतना फ़र्क था। इसी तरह से ट्राउजर्स, 2 पीस ड्रेसेस और ज़बरदस्ती चीज़ें, जीन्स, एवरीथिंग वॉज देयर। और ये देखें जी ये कमाल के ज़बरदस्त से सूट थे, ये आप ऊपर देख रहे हैं। आई डोंट नो कि ये यूज़ हैं या ये क्या है, सेकेंड हैंड है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सूट पर सो चीप, सो रिजनेबल, लाइक क्वालिटी ठीक थी, फुल फैंसी था। मैं सिर्फ चेक करने के लिए देख रही थी ये बंदा सूट खोल के जब दिखाएगा तो दैट सूट वॉज जस्ट फॉर 450 रुपीज़ अलॉन्ग विद द ट्राउजर एंड द दुपट्टा। ये सिर्फ कॉस्ट 450 रुपीज़ फुल एम्ब्रॉयडर्ड। और हाँ ये होता है कि ये शर्ट उन्होंने मैच किया होता है, दुपट्टा ट्राउजर और शर्ट 3 पीस अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप पहने तो वो पेयर पूरा ही बनता है। बहरहाल जी मैंने लिया तो कुछ नहीं, लेकिन आई वॉज बियॉन्ड शॉक कि अच्छा भाई इतनी सस्ती चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से ये भी जी सूट था फिरोजी और वाइट कलर में, बड़ा ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन था, फिरोजी सूट के साथ वाइट दुपट्टा था और वाइट ही ट्राउज़र था। और कहते हैं जी जो लेना है वो खोल के दिखाएंगे हम, और मैं जो थी बस इसे खुलवाए जा रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ज़बरदस्त पर्पल कलर का फैंसी सूट था, इतना कोई ज़बरदस्त काम हुआ हुआ था उस पर, लाइक आप डिज़ाइनर वेयर आप उसको कह सकते हैं, प्रॉबली शायद आगे नजर आए वीडियो में। हाँ ये वाला ये पर्पल सूट है, ये मैंने इनसे कहा भी था कि मुझे खोल के दिखा दें, वो लोग जी आगे अके पड़े होते हैं, लेकिन बहरहाल जी उसने मुझे सूट खोल के दिखाया
दिखाया और ये आप फैंसी इसका काम देखें, बड़ा ज़बरदस्त है। एक मेरे साथ खातून खड़ी थी, वो ले रही थी, मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे एक दफ़ा खोल के देखने दें कि ये है कैसा है ना, और बहुत ज़बरदस्त शिफॉन का सारा सूट था। 350 ले लें। उसके बाद जी हम बड़े आगे ये इस तरह के ना कट पीसेस, छोटे छोटे टॉबल्स, और ये आपके किचन नैपकिन के लिए इतने ज़बरदस्त यूज़ हो सकते हैं। हर तरह की चीज़ यहाँ पे थी। ये है जी पिलो कवर्स, और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें, लाइक मैंने कभी इस तरह का बाजार एक्सप्लोर पहले नहीं किया था। इसमें कर्टन्स भी अवेलेबल थे, इसमें बेड सेट्स भी अवेलेबल थे, बच्चों के टाइट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, मतलब मुझे एक तरह से खुशी भी हो रही थी कि यार जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बल्कि जो कर भी पाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। मनी सेविंग इज़ ऑलवेज़ इन गुड ऑप्शन, और करनी चाहिए। ये जी लेसेस थी, बहुत ही ज़बरदस्त नेट पे काम हुआ था, और कोई बहुत आर्टिस्टिक बंदा हो ना, मेरे जैसा ना हो, जो डिज़ाइनर जहन का बंदा हो, उसके लिए तो ये बाज़ार या ये लेसेस जो हैं वो जन्नत हैं, क्योंकि वो 10-10 रुपए गज़ लेस थी। मैं तो ये सोच रही थी कि जब मैंने सूट बनाना होगा ना तो मैं सूट लेके ना तो साथ में आऊँगी और लेसेस यहाँ से मैच कर लूँगी। बल्कि मैट मैट जो टेबल पर बिछाते हैं, दिखाएं ये वाला खोल के, छोटा टेबल है, 2 सीटर है। नहीं जो जरा थोड़ी ना ठहरने वाली हो, स्लिप ना होते रहे टेबल से। कहाँ पे है? ठीक है ठीक है, समझ आ गया। तो किस तरह ये पेयर? ये है जी वो लेसेस जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। हर लेस का वैसे तो डिफरेंट रेट है, लेकिन 15 रुपये गज़ से ज़्यादा कोई लेस नहीं थी। इवन के 8 रुपीज़ गज़ भी यहाँ पे लेसेस अवेलेबल थी, बहुत प्यारी प्यारी। मैंने इसी तरह की एक लेस ना, सिंपल सी समोसा लेस जैसे होती है, 25 रुपये गज़ मैंने अपने एरिया से ली थी, और मैं उसको भी कही थी हाँ चलो ठीक है मैंने 20 करवा लिया, बड़ा कोई मेरे तीर मारा है। लेकिन यहाँ पे 10-10, 8-8 रुपये गज़ लेसेज हैं, एंड दैट वॉज रियली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। या फिर जो भी खवातीन जो कि सूट सिलवाने का शौक रखती हैं और उनका तो होता है कि यार सस्ते सस्ता सूट सिले, तो ये ज़बरदस्त जगह है। आगे चले कपड़ा बाजार से। कपड़े हाँ ये अभी उस तरफ है, ये इस तरफ है सारा मेकअप और बाकी चीज़ें। वैसे रग पता करना है यहाँ से नहीं। और जी सर गर्मी बहुत शदीद थी, रोज़ा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा पुराना है, अराउंड 15-16 रमज़ान पे मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन पैकेट साहब डिडंट लूज़ हिज पेशेंस, और उन्होंने मिरहा को भी संभाला और बड़ा मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार आपने जो लेना है लें, मैं देखता हूँ मिरहा को भी वीडियो भी आप रिकॉर्ड करें आराम से। और रियली थैंकफुल टू हिम कि भाई उनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन की वजह से एक ज़बरदस्ती वीडियो आप लोगों के सामने आ जाती है। मेटल है, कलर भी एंटीक्स है, ऐसे रहेगा। चूड़िया 300 मैंने कहा दी, आज नहीं रखे मेरा जन्म लो, आप ले रहे 250 के लगे। ये हाँ ये माला है, ये किस तरह है? 100 अब 100 कह रहे हैं, आप भी 100 ही कह रहे थे, एकदम 200 हो गए। अच्छा उसके 150 लगा दूंगा पीनो के बाजी। हाँ जी पीनो के 150 लगा देंगे। अच्छा अच्छा, वैसे रश किसका था ज्यादा? हाँ पूरे दिन के, और रोजे में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट वीक दोबारा आ जाएंगे ऑफिस से। हाँ कितने हैं इसमें? 6 पीस। हमें कॉस्ट्यूम्स तो वैसे हैं हमारे पास है ना, कॉस्ट्यूम्स हमें हमारे पास हैं। नहीं ये चम्मच भी बताइएगा। ये जी सारा बर्तनों वाला स्टॉल था जिसका मैं जिक्र कही थी, लेकिन ये एक नहीं था, यहाँ पे काफ़ी सारे थे और इनकी डिफरेंट रेंजेस थी, लेकिन 300 तक मैक्सिमम ये रेंज थी, और 300 से ऊपर यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी, विच वॉज क्वाइट फाइन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा रेट के हिसाब से चीज़ें। उसके बाद ये बड़े मज़े की ज्वेलरी शॉल्स थे जो हम गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी थी, इयररिंग्स थे डिफरेंट तरह के, हर तरह की वैरायटी थी, और वो बहुत ज़्यादा दावे कर रहे थे जी कि काली नहीं होती, जबकि आई टोटली नो इट कि भाई ज़रा सी देर के एक दिन भी बाहर आना तो पूरी चेन और पूरा जब ना हसीन होता है ना उतना ही बुरा हो जाता है। लेकिन आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करें कि आप लोग अपनी ज्वेलरी किस तरह से सेव करते हैं। मेरा तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों में रहा, मेरे बहुत फेवरेट्स हैं, मैंने सोन वाला पेंडेंट मंगवाया और बड़ी चीज़ें ऑनलाइन
मैंने मंगवाई लेकिन वो सारी काली हो गई। आई डोंट नो, मे बी शायद मैं सही तरह केयर नहीं कर पाती। और जिसके बाद ये हाफ जो स्टॉल था वो जो 150 रुपीज़ है, जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं दीज आर फॉर 150 एंड दोज वर सो गुड। मैंने मेरा के लिए बहुत सारी चीज़ें ग्रैब की, और ये पांडा पेंस थी, रेनबो पेंस थी, बच्चों को इतनी प्यारी लग रही होती है ना। और ये आप अगर किसी और मार्केट में जाएँ तो आराम से 250-350 वो कहते हैं, मैक्सिमम भी 300 कर लेते हैं या 200 कर लेते हैं, लेकिन ये 150 से भी मैंने 100 करवाए और मैंने काफ़ी सारे पैकेजेस के लिए लिए। इसी तरह से ये माला थी, स्टार्टिंग रेंज 100 रुपीज़ थी, जैसे जो मैंने पकड़ी है ये 100 की थी, 150 थी मैक्सिमम जो थी वो 300 तक की थी। इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि ये माला या तो वेस्टर्न आउटफिट पर प्लेन आपने वेयर की हो या फिर सिंपल शलवार के, इन शॉर्ट कीजिए आप देसी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैंडल्स थी बच्चों की, जिसकी क्वालिटी मुझे ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगी, बहुत जल्दी टूट जाने वाली थी। और ये देखिए आप यार, ज़बरदस्त सी चीज़ है ये, है जी एक सेट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा दूर से पड़ा हुआ। एंड व्हेन आई आस्क द प्राइस यू वॉन्ट बिलीव, दिस वॉज फॉर ओनली ₹400। आई वॉज बियॉन्ड शॉक्ड। मैंने मतलब सीधा सवाल मेरा यही आया कि भाई ये काला हो जाएगा, कहते बाजी हो तो जाएगा लेकिन 2 महीने निकाल लेगा या आपके 2-3 फंक्शन निकाल देगा। खुद उसने ऑनेस्टली मुझे बताया। और हर चीज़ यहाँ पे, मतलब ये जो आप इयरिंग सेट देख रहे हैं या ये जो पेंडेंट्स देख रहे हैं, दिस पेंडेंट वॉज ओनली फॉर ₹250। और मैंने सोचा कि भाई 150 कर लो, कहते ठीक है हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से कि भाई ये काला हो जाएगा तो मुझे क्या ही मकसद है पहनने का। लेकिन ये सारे सेट्स, ऑल द सेट्स फॉर एक्सेप्ट ब्लैक, जो कि ब्लैक था वो 500 का था, बाकी सारे सेट्स जो थे वो 400 के थे, और वो मेरे साथ 300 पे भी मान गया था कि बाजी आप 300 पे भी ले लें। एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई इनको एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है इस चीज़ की। ये बढ़िया है, कहाँ पे? नहीं इसके अलावा, इसके अलावा नहीं है, नहीं है? ये भी 400 की है। और यू वॉन्ट बिलीव कि बहुत रिनाउंड शू ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे यही सेम पिंक जो डिज़ाइन था, सेम डिज़ाइन था बिल्कुल, दैट वाज शू वाज 3500 रुपीज़। ऑब्वियसली क्वालिटी विल बी मच बेटर, आई नो कि वो उसकी पायदारी और मजबूती, लेकिन मैं कहती हूँ कि मतलब रेप्लिकाज इतने ज़बरदस्त आ गए हुए हैं कि बंदा कहते हैं चलो यार जूता है टूट ही जाता है, थोड़ा सा चलाया और ठीक है। और जिसके अलावा ये सारे बैंड्स थे, और ये एवरी थिंग ऑन द स्टॉल वॉज 50 रुपीज़। ये पर्ल्स वाला हेयर बैंड मैंने मेरा कर लिया एक मरतबा में, तो वो दैट वॉज 150, और यहाँ पे 50 रुपीज़ था। यही पिन का जो है ये पेयर, ये भी 50 रुपीज़ था। एवरी थिंग वॉज 50 रुपीज़ एंड आई वॉज बियॉन्ड शॉक। मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद ही हम लोग बाजार से बाहर की तरफ निकल रहे थे, और यकीन जाने कि निकला जा ही नहीं रहा था। यहाँ पर मर्दाना जो रहे थे एक से बढ़ के एक, और फिर मेरा को जी वॉचेस पसंद आ गई, मतलब यू नेम इट, एवरी थिंग इज़ देयर, बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, किचन के हवाले से, जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और मेरा को जी यहाँ से एक वॉच पसंद आ गई, और इसी तरह की मेरा की सेम वॉच मैंने एक पठान से ही 350 की ली थी, और यहाँ पे 150 की वो मुझे मिल गई। 200 उसने कहा और 150 वो आराम से हो गया, बल्कि मैं तो कही थी कि आप 100 कर ली, पर जाहिर है जी उन बच्चानों का भी इतना मार्जिन नहीं होता हर चीज़ में। बहरहाल जी 150 की हमें ये वॉच मिल गई, जो कि मेरा को बहुत बहुत पसंद आई। और जी अभी ज्वेलरी से मेरा दिल भरा नहीं था कि मुझे मेकअप नज़र आ गया। आपको जितनी चीज़ें स्टॉल पे नज़र आ रही हैं, आई दिस कॉन्टोर किट, आई दो दिस इज़ द आई शुरू किट विच आई हैव इन माई हैंड, ऑल वर ₹150। मतलब मैं हैरान थी। और इनके मैं अगर आपको बताऊं कि भाई पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त थी इन कलर्स के अंदर। हाँ, इनके लिप ग्लॉसेस का मसला ये होता है कि ये परमानेंट हो जाते हैं आपके लिप्स पे, अगर आपने लगा लिया सुबह तो वो फिर रात तक नहीं जाता, बल्कि धोने से भी नहीं जाता। इस तरह से ये आई शेडो थे, इसमें डिफरेंट तरह के आई गेस 20 कलर्स या अराउंड 18 कलर्स थे। एंड दैट वॉज ऑल्सो फॉर ₹150। वो था ना एक डायलॉग, 150 रुपया देगा, दैट गॉट रियल। और हर चीज़, एवरी थिंग वॉज 150। मुझे इतनी सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बल्कि मेरा को भी पसंद आ रही थी। अच्छा, लिपस्टिक्स भी दो साइड्स पे, एक तरफ लिप ग्लॉस था एक तरफ लिप ऑयल था। मुझे एक लिप ऑयल ना बहुत शदीद तरीके से रिक्वायर्ड था। बहरहाल जी मैंने यहाँ से 3 से 4 चीज़ें ली। इसमें एक आई शेडो किट थी, एक लिप ऑयल था, और एक इसके अलावा कॉन्टोर किट थी। और मैंने सिर्फ ट्राई करना चाहती थी कि भाई ये मेकअप होता कैसा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में लिया, और फर्स्ट टाइम ही मैं ट्राई करूँगी। ऑल्दो माय हस्बैंड कम्प्लीटली डिसएग्रीड कि नहीं भाई नहीं लेना चाहिए, स्किन के लिए बहुत खतरनाक होता है, विच आई एग्री, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ कि भाई ट्राई तो करें ना, है कैसा लुक, कैसे निकलती है मेकअप की, तो होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद ये पैसे देने के बाद भी एंड तक मेरा दिल नहीं भर रहा था, और मुझे ना कहीं से पील ऑफ नेल कलर्स नहीं मिल रहे थे, और यहाँ पे वो भी अवेलेबल थे विच वाज ओनली फॉर ₹150। और भाई ये तो एक कहते हैं ना जन्नत होती है लड़कियों के लिए, और मैं बस मुझे वैसे कह रही थी कि यार मारिया इफ्तार होने वाली है, निकलें फटाफट, और मैं ट्राई पे ट्राई, अच्छा बस कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, एक और लेते चलते हैं। बहरहाल जी मुझे इस मेकअप सेक्शन से जो है ना वो टोटली ड्रैग करना पड़ा बैगे साहब को। ये बाउल भी बताइएगा किस तरह है। 450
ये 6 का सेट है। तो जी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा बल्कि टाइम हो गया। यहाँ पे इतना रश था एंड देयर वाज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स, आप लोगों ने देखा होगा ऑफ कोर्स। और एक विजिट में बंदा ये सारी चीजें कमेंट नहीं कर सकता, तो हमने सोचा कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक दोबारा चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि क्या है मजीद जो स्टॉल्स हम लोगों ने देखी है उसके अलावा देखेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस दौर में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लिए, बाय।